गुरु पुत्र कर्ण भी गया था और अर्जुन भी, मगर गुरु को समर्पित तो केवल एकलव्य ही हो पाया। Now I would like to invite on stage the performance on Guru Shishya with our team Rishte. Please give a big hand for them. धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को अतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था, नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। हद से गुजर जा तू हद कर दे, मुमकिन नहीं है क्या अगर तू जान ले जरा। प्रणाम गुरुवर, मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, यह संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं, तुम्हारी यहां कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी, हर आग हुई हम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा स्वामी दे। अद्भुत, कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई। मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूरत ही मेरे विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ, ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूं। दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए।
तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु